नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि खरकाटे और आप देख रहे हैं मैकेनिक ज्ञान चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास में एसी का हेड रहा और दोस्तों इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है लीवर फंसने की। तो चलिए मैं केबिन में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से कैसा लीवर फंस रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं हम केबिन में आ चुके हैं और ये रहा इसके चार लीवर। और चार लीवर में से मैं सबसे पहले आपको बता दूँ लीवर किस प्रकार से फंस रहा है और ये कैसा हम इसको रिपेयर करेंगे और इसको सही कैसा करेंगे, वो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लीवर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये लीवर प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है, ये भी लीवर प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है और ये भी। लेकिन ये जो लास्ट वाली जो लीवर है, ये आप इसकी आवाज़ सुनना, ये जाम चल रहा है, ये आवाज़ भी आ रहा है, देख सकते हो। ये स्टीयरिंग का है और स्टीयरिंग क्या है, काटने में ये फंस जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार से आवाज आ रहा है। ठीक, तो इसको देखते हैं, इसका जो स्पूल है, स्पूल का जो केप है, इसको ओपन करके देखते हैं इस पर क्या प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ कचरा फंसा होगा शायद, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। चलिए देख सकते हैं, हमने ये चारों बोल्टों को ओपन कर दिया है और जो लीवर है, लीवर को भी हमने ओपन कर दिया, उसका जो कैप। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको ये स्क्रू को ऐसे कैसे बाहर निकालना पड़ेगा। बट दोस्तों अभी क्या करना है, हमको आगे साइड में जाना है और आगे साइड में जाने के बाद में हमें ये जो स्पूल है, ये स्पूल का इस साइड में एक और कैप दिया हुआ है जो उसको ओपन करना होगा और स्पूल को पहले फ्री करना होगा। मतलब जो कैप है उसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा होगा, वो लॉक किया हुआ है इस, तो उसको ओपन करते हैं, उसके बाद में हम स्क्रू को बाहर निकालते हैं। तो चलिए हम बैक साइड में चलते हैं। नीचे साइड से कुछ इस प्रकार से कंट्रोल वाला दिखता है और वो निकल आएगा बाहर। ये देखिए है ना, ये वाला खोलना होगा, ये क्या रेलिंग थी इसके ऊपर, फिर हम और बताते हैं आपको। देख सकते हैं दोस्तों, हमने उसका कैप खोल दिया है। अब वहाँ पर एक और घसा, अभी स्पूल को लॉक किए हैं, मतलब स्पूल में एलन की घसी है, इसी वजह से नहीं आ जी स्प्रिंग बाहर। ये का स्पूल है, एलन की भी निकाल लो, अब भी आएगा चलने का, फिर सीधा सीधा फंस गए रे, तो इधर आ, इधर आ तू, हाँ सीधा सीधा आएगा, तो आ जाएगा, निकल जाएगा सर। ये चीज़ और ये देखो जी, ये चीज़ और हाँ, ये कैप है उसको, स्कूल को आ गया। ये तो दोस्तों हमने अभी क्या किया, सिर्फ स्पूल को निकाला है, हल्का सा उसको क्लीन किया और उसके बाद में हमने वैसे के वैसे ही उसको फिट कर दिया है। बट हमने अभी दो दो बोल्ट लगाकर सिर्फ चेक करने के लिए फिट किया है और इसमें प्रॉब्लम जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम था, 6 टन वेट उठाने के बाद में वो लीवर फंस के रह जाता था। तो देख सकते हैं हमारे पास में एक बॉक्स है, उसको उठा रहे हैं, वो 6 टन का है और उसके बाद में हम कटिंग करके देखते हैं, इसके बाद पता चलेगा हमको कुछ फंस रहा है या नहीं फंस रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों बॉक्स उठ चुका है। अब चलिए पीछे लेते हैं और थोड़ा सा कटिंग करके देखते हैं लीवर फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। ठीक है, ये तो वेट देख सकते हैं और चलिए मैं थोड़ा सा आपको लीवर के ऊपर जूम करता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं फंस रहा है। ऑपरेटर का चेक कर लेने दीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ।
चलिए आप बेटा कितना चलते हैं देखते हैं सही हुआ है। हाँ क्या हुआ? सही चल रहा है, मतलब सिर्फ स्कूल को निकाल के हमने साफ किया और देखो ये सही चल रहा काम कर, मतलब सही से काम करना स्टार्ट कर दिया। बंद कर दो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, बाय।